हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ जैगपोर्ट, आज इस चैनल के माध्यम से आपके पास लाया गया है राइटिंग सेक्शन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ट्वेल्थ एग्ज़ाम लिखने वाले जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश कोर में ये सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और आप राइटिंग सेक्शन की तैयारी यहाँ से बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जो 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन का, उसे एक एक करके हम लोग करते जाएंगे। आप लोगों से ये इंस्ट्रक्शन होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठे और मेरे आंसर बताने के पहले आप आंसर खुद टिक करते जाएं, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है या फिर अभी और तैयारी की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं इंग्लिश कोर का राइटिंग सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ अ नोटिस। नोटिस के पहले क्या आता है, बिल्कुल शुरुआत में? डेट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग या सिग्नेचर। तो इसका जो राइट आंसर है आप टिक कीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच करते जाइए। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा, सबसे पहले हम यूज करते हैं नंबर बी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अ नोटिस एंड्स विथ, जब भी हम नोटिस खत्म करते हैं किस चीज के साथ हम लोग नोटिस को खत्म करते हैं? डेट एंड टाइम, थैंकिंग वर्ड्स, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, सैल्यूटेशन। राइट आंसर है नंबर टू का सी, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, नाम और हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, अ नोटिस इज ड्राफ्टेड फॉर। नोटिस क्यों हम लोग लिख के तैयार करते हैं, ड्राफ्ट मतलब होता है लिख के तैयार करना। पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन, मेकिंग रिक्वेस्ट, पासिंग ऑन ऑर्डर्स, ऑल ऑफ दीज, जानकारी देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए या फिर ये सारे। राइट आंसर होगा आपका नंबर ए, पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन, जानकारी देने के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस, इनमें से क्या नोटिस में नहीं यूज करते? हेडिंग, डेट, इंफॉर्मेशन, सैल्यूटेशन। तो नोटिस में इनमें से क्या यूज नहीं होगा? आंसर है नंबर डी, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, एसेट्रा, ये सब जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ सैल्यूटेशन जो कि लेटर राइटिंग में मिलता है, ना कि नोटिस में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव, द क्वेश्चन इज विथ विच ऑफ दीज फ्रेजेस वी कैन स्टार्ट ए नोटिस। तो यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, आधे अधूरे सेंटेंसेस, उसमें से किससे हम नोटिस शुरू कर सकते लिखना? दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द डॉट डॉट डॉट, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट डॉट डॉट डॉट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। अगर आपने नंबर सी टिक किया है तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर देखते हैं, व्हाट कम्स इन द वेरी बिगनिंग ऑफ अ फॉर्मल लेटर। जब भी फॉर्मल लेटर तैयार करते हैं तो सबसे शुरुआत में क्या आती है? सेंडर्स एड्रेस, स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, SEN, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट। तो कोई भी फॉर्मल लेटर जब भी हम लिखते हैं, याद रखें, तो वहां पे सबसे शुरुआत में क्या चीज आता है? इसका राइट आंसर होगा जल्दी बताइए, सेंडर्स एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस। राइट आंसर है सेंडर्स एड्रेस, नंबर ए। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर टू एडिटर। तो लेटर टू एडिटर लिखने का पर्पस आपको बताना है। तो क्या इसका पर्पस होता है ये आप बताएंगे लेटर राइटिंग का। तो लेटर टू एडिटर जब भी हम लिखेंगे, ऑप्शन है आपके सामने, टू गेट पब्लिसिटी, टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व बाय द एडिटर, टू हाईलाइट द प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दीज। और राइट आंसर इसका है टू हाईलाइट द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं लेटर टू एडिटर को। तो राइट आंसर आपका सी, टू हाईलाइट द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर एट,
द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग अ डेट इज, तो डेट लिखने का सबसे सही तरीका कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन आप देख लीजिए और टिक कीजिए जो आपको सही लगता है। और इसका राइट आंसर है नंबर बी, पहले मंथ फिर डेट कॉमा फिर ईयर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, व्हाट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेटर टू एडिटर, तो लेटर टू एडिटर जब भी हम लिखेंगे क्या चीज उसका पार्ट नहीं है लेटर टू एडिटर का? ऑप्शंस में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में सब्जेक्ट सैल्यूटेशन डेट हेडिंग, इनमें से क्या हम लेटर टू एडिटर में नहीं पाते? राइट आंसर मुझे उम्मीद है आपने चुन लिया होगा, इट इज नंबर डी हेडिंग। हेडिंग यहां पे नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेटर टू एडिटर मस्ट बी रिटन इन, कोई भी एक लेटर टू एडिटर है वो किस चीज में लिखा होना चाहिए? प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज। और अगर आपने राइट आंसर डी को कहा है तो आप सही हैं, अन्यथा आप गलत हैं। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 11, अ रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग एन इवेंट एक्सीडेंट इज इन जनरली डैश टेंस, कि कोई भी रिपोर्ट जब हम लिखते हैं वो किस टेंस में लिखा जाना चाहिए ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दो वर्ड, पहला है रिपोर्ट और दूसरा है आपका टेंस। तो रिपोर्ट किस टेंस में होता है आमतौर पे? तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है पास्ट टेंस। जब भी हम रिपोर्ट लिखेंगे जो किसी इवेंट या एक्सीडेंट को कवर करता है वो हमेशा ही पास्ट टेंस में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ध्यान दे, व्हाट कम्स आफ्टर द हेडिंग ऑफ अ रिपोर्ट, जब भी हम रिपोर्ट का हेडिंग लिख लेते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं? प्लेस एंड डेट, नेम ऑफ द राइटर, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। राइट आंसर है नंबर बी, नेम ऑफ द राइटर, जिसे हम लोग नॉर्मल टर्म्स में ये भी कहते हैं बाय लाइन। ठीक है, तो बाय लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द राइटर। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बाय लाइन से ही रिलेटेड है, बाय लाइन ऑफ अ रिपोर्ट कंटेन्स, बाय लाइन में क्या होता है? तो आंसर आप बहुत इजीली बता देंगे, ऊपर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये। जी हां, आपका सही आंसर होगा नंबर डी, नेम ऑफ द रिपोर्टर। तो नेम ऑफ द रिपोर्टर ही आपका आता है बाय लाइन में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ अ रिपोर्ट कंटेन्स, कोई भी रिपोर्ट जब हम लिख रहे हैं तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होना चाहिए? आंसर्स व्हाट व्हेन वेयर व्हाई ईटीसी, क्या कब कहां क्यों इत्यादि। मेंशंस द आई विटनेस, जसनदीप का जिक्र होना चाहिए। इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, सारा जो जरूरी जानकारी है फर्स्ट पैराग्राफ में डाल देंगे। या नंबर डी, डिस्क्राइब द फ्यूचर एक्शंस, भविष्य में क्या करेंगे ये बताएंगे। और अगर आपका राइट आंसर है तो वो है नंबर ए। नेक्स्ट नंबर 15, वेयर अ रिपोर्ट कैन नॉट फाइंड अ प्लेस इन और एट, कहां पे हम रिपोर्ट नहीं पा सकते हैं? न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होगा या नहीं, मैगजीन में होगा या नहीं, सेमिनार्स में रिपोर्ट का यूज करेंगे या नहीं, और स्कूल नोटिस बोर्ड में होगा या नहीं। तो राइट आंसर है आपका यस नंबर डी, स्कूल नोटिस। यहां पे रिपोर्ट को आमतौर पे जगह नहीं मिलती है, ए बी सी में बहुत आम तौर पे रिपोर्ट जगह पाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ गुड आर्टिकल शुड बी इन डैश पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, एक अच्छा आर्टिकल किस पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में होना चाहिए? तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का अर्थ होता है इसमें आई का प्रयोग करें, तो ये सही नहीं है। बी सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूज नहीं करते। डी फोर्थ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता ही नहीं है। तो राइट आंसर हो गया आपका नंबर सी, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान से सारा पढ़ के समझ के जाइएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाला है। द पर्पस ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल इज,
तो कोई भी आर्टिकल लिखते हैं उसका पर्पस क्या होता है? तो पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। तो आर्टिकल लिखने का उद्देश्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल लिखने का उद्देश्य जो ऑप्शंस है आप देख पा रहे हैं, क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द रीडर्स, लोगों में जागरूकता लाना, टू थ्रेटन द रीडर्स, लोगों को डराना धमकाना, टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सरकार की बुराई करना, या नंबर डी ऑल द अबव, इनमें से सभी। तो आमतौर पे आपको लग सकता है नंबर डी, पर ये बिल्कुल गलत आंसर है। राइट आंसर है नंबर ए, क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द लीडर्स, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके अंदर जागरूकता है। नेक्स्ट है, गुड सीक्वेंस ऑफ एन आर्टिकल इज, सीक्वेंस मतलब क्या होता है, क्रम। कोई भी एक आर्टिकल का अच्छा क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। तो सीक्वेंस मीन्स आप याद रखिएगा, इसका मतलब होता है क्रम। हेडिंग कंक्लूजन बॉडी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हेडिंग बॉडी कंक्लूजन, बॉडी कंक्लूजन हेडिंग इंट्रोडक्शन, या नंबर डी हेडिंग इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हेडिंग तो होना ही चाहिए, और बी और सी में देखते हैं हेडिंग का जिक्र है नहीं, तो बी और सी ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा मेरे पास ए और डी। ए में क्या लिखा है, हेडिंग के बाद सीधा कंक्लूजन, शुरू किए और खत्म कर दिए, ऐसा तो होता नहीं है। तो इससे राइट आंसर है डी, हेडिंग इंट्रोडक्शन बॉडी और अंत में कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 19 में, द एंडिंग ऑफ द आर्टिकल शुड हैव, कोई भी आर्टिकल का जो एंड है, जब समाप्त हम करते हैं, एंडिंग करते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं, अपील, एडवाइस, सॉल्यूशन, ऑल ऑफ दीज। तो एक अच्छे आर्टिकल के अंत में, लास्ट पैराग्राफ में, ये तीनों ही होने चाहिए। तो राइट आंसर है नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आर्टिकल, इनमें से आर्टिकल का एक अहम अंग हिस्सा क्या है? प्रोज एंड कॉज मतलब अच्छाई और बुराई, बी में कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट तुलना करना, सी में न्यूज एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूज देना, स्टैट्स देना, या ऑल ऑफ दीज। तो आर्टिकल का आत्मा ही होता है इंफॉर्मेशन, प्रोज ऑन कॉन्ट्रास्ट स्टैटिस्टिक्स, और राइट आंसर हो जाएगा इसलिए नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इफ यू वॉन्ट टू सेल योर ओल्ड कार, यू वुड ड्राफ्ट ए एन फॉर द न्यूज़पेपर। अगर आपको अपना ओल्ड कार बेचना है तो आप इनमें से क्या तैयार करेंगे, जल्दी से ऑप्शन देकर बताइए। और राइट आंसर होगा, न्यूज़पेपर में आपको छपवाना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट, ताकि आपका पुराना गाड़ी बिक जाए। नेक्स्ट है, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर पेरेंट्स मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह मनाने वाले हैं अपने माता पिता का। यू वॉन्ट टू कॉल ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन इट, व्हाट विल यू ड्राफ्ट, अपने मम्मी पापा के मैरिज एनिवर्सरी में आप सबको बुलाना चाहते हैं तो आप क्या लिखकर तैयार करेंगे? ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर। इस बार आंसर है नंबर बी, एन इन्विटेशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सपोज यू कंडक्टेड अ सर्वे अपॉन द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन योर लोकैलिटी एंड यू वांट टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स फॉर द फार्मर्स, व्हाट वुड यू ड्राफ्ट। आपने किसानों का सर्वे किया अपने एरिया में और आप उनके बारे में लिखना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं उनके प्रॉब्लम्स को। किनके प्रॉब्लम्स को? किसानों के प्रॉब्लम्स को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे इस मार्कर से मैंने अभी हाईलाइट किया इस लाइन को, तो कैसे और क्या तैयार करेंगे? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, अ रिपोर्ट टू द न्यूज़पेपर, अ लेटर टू द एडिटर, ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, एंड इसे आप एन पढ़ेंगे, इनविटेशन टू द चीफ मिनिस्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा अ लेटर टू द एडिटर। किसी भी मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए हम लोग लेटर तैयार करेंगे उनकी समस्या को सामने रखने के लिए। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, सब्जेक्ट किस चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है? नोटिस में सब्जेक्ट, रिपोर्ट में सब्जेक्ट, आर्टिकल में सब्जेक्ट, या इनमें से कोई भी नहीं? तो हमें पता है राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट होता है लेटर राइटिंग में, ना तो नोटिस में, ना तो रिपोर्ट में, ना तो आर्टिकल में। अगला और आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जो है नंबर 25, इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल टू मेक न्यू एडिशन बुक्स अवेलेबल इन द कॉलेज लाइब्रेरी, व्हाट वुड यू ड्राफ्ट। अगर आप अपने प्रिंसिपल से कहते हैं, कहना चाहते हैं कि नए किताब आपके लाइब्रेरी के लिए खरीदा जाए, तो आप इनमें से क्या लिखेंगे?
अ पर्सनल लेटर, एन इनफॉर्मल लेटर, एन एप्लीकेशन, एन इनविटेशन? तो इसका आसान सा आंसर है नंबर सी। तो नंबर सी इसका राइट आंसर है, एन एप्लीकेशन। तो इस तरह से आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुना गया, जो कुछ बोर्ड एग्जाम से पूछा गया भी है और कुछ नया क्वेश्चन भी आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फाइनली हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़िए और आपको आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय।